अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया आप सबका अनदर व्लॉग पे। उम्मीद करता हूँ यार आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज सीन कुछ ऐसा है कि हमने मुल्तान का प्लान बनाया, तो भाई आज मुल्तान जा रहे हैं हम। तो आज आपको फिर सारा सीन दिखाएंगे मुल्तान में, हम कहाँ कहाँ जाते हैं और किस मकसद से जा रहे हैं मुल्तान और कहाँ कहाँ घूमे फिरेंगे, आपको सारा सीन दिखाते हैं। तो भाई अभी टाइम भी हो रहा है हमारा, जो एग्जैक्ट टाइम था हमने निकलना है जिस टाइम पे, तो टाइम हो गया, अब गाड़ी बाहर खड़ी है, निकलते हैं हम फिर। अगर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो। तो यार देख सकते हैं आप, गाड़ी हमारी तैयार है भाई और अब हम निकलने लगे हैं। आप लोग देख सकते हैं यार, तो भाई अभी हम इधर चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद जाना हमने एयरपोर्ट, क्योंकि मामू ने जाना यार कुवैत, इस वजह से हम मुल्तान आए हैं। यही मकसद था ज़्यादा हमारा मुल्तान आने का। देख सकते हैं इधर से अब हम चाय पियेंगे भाई, तो चाय पी के फिर हम निकलते हैं भाई एयरपोर्ट के लिए, जो मुल्तान का एयरपोर्ट है, वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं बाकी का सारा सीन। इस टाइम हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं भाई, ये देख सकते हैं मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई अभी 2 बजे की फ्लाइट है, जो इंटर होने हैं 12 बजे या 11:30 तकरीबन इंटर होने हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं बैग वगैरह लेके आगे, फिर दिखाते हैं आपको सारा। ये देख सकते हैं आप, मामू अब इंटर हो रहे हैं। ये जी टिकट पकड़ा दी और पासपोर्ट, ये चेकिंग होने लगी है, चेकिंग वगैरह हो रही है भाई अब। ये इंटर हो गया हम। तो फाइनली यार जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि इंटर हो चुके हैं मामू, तो भाई अभी इंटर हो गए हैं, तो अभी हम बैठे हैं इधर कुछ देर के लिए, तो फिर कॉल करेंगे तो फिर हम घर के लिए निकलेंगे अपनी इधर, जब तक बोर्डिंग वगैरह नहीं हो जाती, तो उतनी देर हमें इधर बैठना पड़ेगा, तो तकरीबन आधे घंटे तक बोर्डिंग वगैरह भी हो जाएगी, तो फिर हम घर के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह। तो जितनी देर हमने इधर वेट करना है उतनी देर फिर हम घूम फिर लेते हैं, थोड़ा बहुत विजिट वगैरह कर लेते हैं, सारा एयरपोर्ट वगैरह आपको भी दिखाते हैं भाई साथ साथ क्या सीन है यार। ये इनका पार्किंग एरिया है भाई, ये इधर से ले के आपको दिखाता हूँ सारा इनका। तो भाई ये सारा पार्किंग एरिया है भाई इनका, ये भी पार्किंग एरिया और पीछे भी ऐसे सेम पार्किंग एरिया है, और ये बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, पता नहीं अब ये किस चीज़ की है और क्या चीज़ क्यों बनाई है इन्होंने। तो बाकी जो मेन बिल्डिंग है और वो यही है। तो यार ये इनका डिपार्चर इंटरनेशनल है और ये एक साइड पे अराइवल इंटरनेशनल है, बाकी तो आपने देखा ही होगा जिन्होंने विज़िट किया भाई। फाइनली यार बोर्डिंग वगैरह हो चुकी है यार, अब हम टेंशन फ्री हैं और अब हम निकलने लगे हैं भाई घर के लिए। तो